तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस कैफे स्किल्स। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाले, जैसे कि हमारे घर में मतलब ब्लूटूथ जो हेडफोन्स होते हैं अगर वो ख़राब पड़ जाते हैं, तो आज हम उन्हीं से एक नया मतलब बिल्कुल ही नए मॉडल का बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम जुगाड़ करके कुछ ना कुछ नया हमेशा बनाते रहते हैं, तो आज को हम जुगाड़ करके कुछ नया बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम आज एक ये पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि देख सकते हो, और ये 1.25 इंच वाला है। तो हम एक इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद से ये जो देख रहे हो ये ख़राब ब्लूटूथ हेडफोन होता है उसका एक किट है, जो कि एक मैंने ले रखा है, और इसका सिर्फ एक साइड का ले रखा है जो कि, और इसका जो बैटरी होता है तो इसका बैटरी भी ठीक ठाक था, तो मैंने ले लिया है। जो कि बैटरी का आप देख सकते हो ये 3.7 वोल्ट का है, और ये 380 mAh का है। तो फ्रेंड्स, इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमने लिए हैं जो कि दो आपको हेडफोन के जो एयरफोन में लगाते हैं, तो इसमें स्पीकर्स वाले हमने दो लिए हैं। तो ये हमने किसी और पुराने जो ख़राब हेडफोन्स होते हैं तो उनसे निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हैं, तो फटाफट हम चलते हैं, फिर इसके सीट बना लेते हैं हम इसको एक अच्छा सा शेप देंगे। तो उसको बना, यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक कुछ इस तरीके से बना लिया इसको। तो मैंने इसको गैस पे गर्म करके बनाया है, और इसमें मतलब ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने होल्स भी कर दिए हैं, दो कर दिए हैं। इसको आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा कि हमने इसको होल क्यों करा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है बाहर का, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इसको करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ऐसे देख सकते हो ये हमारा पूरा कट चुका है। तो हमने दो ये जो हमने बताया था अभी डायमेंशन इसके कर रहे थे, तो हमने इसको कट कर लिया है। तो आप देख सकते हो, और ये वाला था, तो इसको हमने भी इसको भी कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा पार्ट है, तो इसमें हम फटाफट इसकी वायरिंग कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि आप देख सकते हो इधर, तो इसमें आपको हर चीज़ जो भी है वो प्रिंटेड आपको दिया होता है। तो हम इसी को फटाफट इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इधर, फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमारा लेफ्ट लाइट का कंप्लीट हो चुका था, जो कि आपने देख लिया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, जो ये हमारा ये मतलब लिथियम बैटरी है, तो इसको हमें यहाँ पर सोल्डिंग करना है। और आपको ट्राई करना है कि आप इसको हमेशा लास्ट में करो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बीच में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आपका शॉर्ट सर्किट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट में इसको सोल्डिंग करने का मतलब फैसला किया था, और कर भी रहा हूँ। तो आप फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बैटरी का प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फटाफट प्लस, हमारा हो चुका है ये वाला। अब इसको जो माइनस वाला है, तो माइनस यहाँ पे काफ़ी हम करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि पीछे से सोल्डिंग कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे जो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी चीज़ें होते हैं ज़्यादातर इसमें ग्राउंड ही होते हैं, तो हम ग्राउंड में इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं फटाफट। फ्रेंड्स देखते हो, जैसे मैंने इसमें सोल्डिंग करा तो हमारा ऑन हो चुका था, क्योंकि मैंने इसको अभी स्विच इसका ऑन ही रखा है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना होगा, जो हमने ये बाहर का आउटसाइड का बॉडी बनाया था, तो इसके अंदर हम इसको पैक कर देंगे। तो इसको फटाफट पैक कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम इस बैटरी को इसके अंदर डाल देते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मतलब काफ़ी आसानी से ही चले जा रहा। अब यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा डबल साइडेड टेप लगाया, तो डबल साइडेड टेप को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे आराम से। पीछे मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ करा है, जो कि इसके अंदर आसानी से चले जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इसको थोड़ा अंदर ही डालना होगा, और यहाँ पे मतलब इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ, ताकि ये जो टेप है हमारा काफ़ी अच्छे से चिपक जाए। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये जो इसका बॉक्स बना है काफ़ी छोटा बना है। अब इसके ऊपर से जो हमने ये कैप बनाया था, तो इस कैप को इसके ऊपर से डाल देंगे हम, फिर इसको फेविक्विक से चिपका देंगे। तो अभी हम दोनों साइड में से हमने किसी भी साइड को नहीं चिपकाया है अच्छे से, ताकि हम इसको लास्ट में चिपकाएंगे, ताकि हम अभी देख सकें कि इसकी प्रैक्टिकल और ये वीडियो जो है ये कितनी काम की बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो इसका डब्बा मैंने फिक्स कर दिया इसके अंदर। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो यहाँ पर आपको इसका लुक दिखाता हूँ मैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, आप इसको देख सकते हो। और इसकी ब्राइट मतलब इसकी जो आवाज़ है काफ़ी आवाज़ है, आप अभी आपको इसको आवाज़ सुनाऊंगा, जो कि बाहर से काफ़ी आवाज़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसको कर लेते हैं फटाफट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पर एक जो मतलब वो उसका मार्कर का कैप होता है, तो एक मैंने मार्कर कैप लिया था, जो कि मैंने इसके यहाँ की जो पार्ट्स होते हैं मैंने इसको कट कर दिया है, और इसको कुछ इस शेप में बना दिया है। तो हम इसको इसका यूज़ क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ ज़रा। तो फ्रेंड्स, ये वाला देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसको मतलब जैसे कि हमें कॉलर में लगाना होगा, तो यहाँ पर कॉलर के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके का लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देंगे, तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। अब इसको मैं ज़रा चार्ज करके दिखाता हूँ। तो जैसे इसमें मतलब इसको मैंने ऑफ कर रखा है, अब यहाँ पर जैसे चार्ज लगाएंगे तो इसमें एक रेड LED टाइप का जलता है, तो इसको मैं ज़रा लगा के देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो जैसे ही मैंने इसमें लगाया है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर रेड LED जल रहा है अंदर से।
जो कि आपको इधर से देख पा रहे होगे, थोड़ा थोड़ा आपको मतलब दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स इधर को हमने ऑन ऑफ स्विच लगाया है, जो कि इसको हम जरा ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हो मैंने ऑन करा तो यहाँ पे एक ब्लू LED भी जलना स्टार्ट हो गया होगा, तो मतलब कि हमारा इसका पावर ऑन हो गया है। अब इसको जरा मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट करके फिर इसको आपको म्यूज़िक सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका म्यूज़िक जो है वो बाहर तक का भी आ रहा है, तो इसका म्यूज़िक जो है काफ़ी मतलब अच्छा होने वाला है। नॉर्मली जो भी हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उनसे मैंने पेयर कर दिया है, अब इसमें जरा म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हमारा जो फोन के पास लगाया है, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए कोई मेरे पास चीज़ नहीं था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बनाया है। तो फ्रेंड्स अगली बार से जो भी होगा तो हम इसको लगाएंगे पहले, इसके बाद से वीडियो शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ है, और फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगर आपके पास कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर्स ख़राब हो जाते तो आपको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसे चीज़ें बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी चीज़ें सीखने हैं तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी आपको कोई भी अच्छी वीडियो अपलोड हो तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन देख के आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।